मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान के 24 नन्हे साइंसदानों ने अपने मुनफरिद इजादात की बदौलत नासा स्पेस कैंप का दौरा किया है। कराची में मुनक्कदा तकरीब में बच्चों के यादगार लम्हात हाजरीन से शेयर की। 3 स्कूल के 24 तलबा कराची के अमरीकी काउंसिल खाने की माली अनाज से गुज़श्ता माह नासा गए थे। 24 तलबा और तालिबात को मिला अमरीका में नासा के खराई कैंप में शिरकत का एजाज। स्पेस कैंप में नन्हे साइंसदानों को सीखने का भरपूर मौका मिला। बच्चों ने साइंस और टेक्नोलॉजी समेत दीगर अमूर के बारे में तरबियत हासिल की। वतन वापसी के बाद तलबा और तालिबात के लिए एक तरतीब का इनेकाद किया गया, जिसमें US कौंसलेट कराची के नुमाइंदेगान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। KM में गर्ल्स एंड बॉयज प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने सब्जा थम जाने से पहले सब्ज हो जाए के उनवान से अपना प्रोजेक्ट पेश किया, जिसमें मुर्गी के परों को कागज बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमें वहाँ पे बहुत मजा आया। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरी वैल्यू नहीं है, हर चीज हमारे इक्वल थी। मैं बगदादी लियारी में रहने वाली पहली लड़की हूँ जो निकल के नासा अमेरिका गई। हमने सोचा कि हम अगर चिकन फीडर्स को इससे पेपर बनने लगेगा तो ये लैंड पॉल्यूशन को भी रोकेगा। लैंड फिश में भी जो चिकन फीडर डम होते थे गंदे गंदे, वो भी दम नहीं होंगे और दरख्त नहीं कटेंगे। अमरीकी हुकूमत के तावन से नासा स्पेस कैंप का दौरा करने वाले नन्हे साइंसदान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस मैदान में पाकिस्तान के नन्हे साइंसदानों ने कमाल कर दिखाया है। अगर ऐसे ही इन्हें प्लेटफॉर्म मिलते रहे तो इनका कामयाबी का सफर जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अली हसन, AIY न्यूज़ कराची। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।